दोस्तों, आज हम दुनिया के 10 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद और डिस्प्यूट क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके कारण दुनिया में युद्ध की स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विवाद नंबर 10, सेंकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी विवाद। सेंकाकू द्वीप चट्टानों का एक सतह है जो पानी से पूरी तरह से लड़ने में सक्षम है, और यहाँ तेल और गैसों का भंडार है, जिसके कारण यह जापान, ताइवान और चीन के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। जापान का मानना है कि इस द्वीप की खोज उनके पूर्वजों ने की है और वहाँ जापानी लोग रहते हैं। चीन और ताइवान का कहना है कि यह द्वीप उनके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ उनके मछुआरे का आना जाना है। 2012 में जापानी सरकार द्वारा एक जापानी रिच फैमिली से वहाँ के द्वीपों में से एक द्वीप की खरीद कर ली गई, जिससे वहाँ की चीनी आबादी नाराज हो गए और बड़े पैमाने पर जापान के विरुद्ध दंगे होने लगे। एशिया में चीन की बढ़ती शक्ति और दखलंदाजी को देखते हुए कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सेंकाकू द्वीप पर तनाव और अधिक गंभीर संघर्ष का रूप ले सकती है। 9वां है कुरील आइलैंड विवाद। 56 द्वीपों के इस ज्वालामुखी युक्त द्वीप समूह द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से जापान और रूस के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। जापान और रूस कभी भी औपचारिक रूप से शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। युद्ध के अंत में सोवियत संघ ने कुरील द्वीप पर आक्रमण किया था, जिनमें से कुछ पर शाही रूसी लोगों ने नियंत्रण कर लिया था, जबकि सोवियत संघ को द्वीपों का हस्तांतरण याल्टा समझौता के अनुसार करना था, पर यह समझौता कभी भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए जापान ने दक्षिणी द्वीपों पर अपना ऐतिहासिक अधिकारों का दावा करना जारी रखा। 8वां है कोरियन पेनिनसुला विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक कोरियाई युद्ध वास्तव में कभी भी समाप्त नहीं हुए। दक्षिण और उत्तर कोरिया देश अपने सीमा क्षेत्र के विवाद को कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाए। दोनों देशों ने एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कोई शांति संधि नहीं हुई और दोनों देश एक दूसरे का सामना नव रैंकिंग और भू राजनीतिक गतिविधियों के जरिए करते रहे। 7वां है वेस्टर्न सहारा विवाद। वेस्टर्न सहारा के अस्थायी निवासी, जिन्हें सहारावी कहते हैं, 1970 के दशक से मोरक्को के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उनके संगठन पोलिसारियो फ्रंट ने हिंसात्मक विद्रोह छेड़ दिया था, लेकिन बातचीत की मेज पर बैठने के लिए भी अपनी सहमति दिखाई थी। 1991 में दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र के समक्ष शांति प्रस्ताव के लिए सहमत हुए, जिसमें शांति प्रस्ताव के लिए अस्थायी सहारावी के लिए एक जनमत संग्रह करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह तय किया जा सके क्या वे पोलिसारियो फ्रंट के नेतृत्व के तहत एक स्वतंत्र पश्चिमी सहारा चाहते हैं, या क्या ये क्षेत्र आधिकारिक रूप से मोरक्को का हिस्सा बना दिया जाए। शांति हालांकि अभी तक कायम नहीं हुई थी, क्योंकि मोरक्को ने जनमत संग्रह के परिणामों को अपने पक्ष में करने के लिए हजारों लोगों को उस क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया था, जिससे पोलिसारियो सैनिकों ने अपने सशस्त्र अभियान फिर से शुरू कर दिए। फिर भी शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद बनी रही। 6वां है अंटार्कटिका विवाद। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और अर्जेंटीना सहित कई देशों ने अंटार्कटिका के जमे हुए महाद्वीप पर अपना अपना दावा किया है, लेकिन 1959 में अंटार्कटिका संधि के हस्ताक्षर के बाद से इस दावों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा खारिज कर दिया गया और किसी भी तरह से अंटार्कटिका के किसी भी हिस्से पर कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई, और यह तय किया गया कि इस क्षेत्र को सभी मानव जाति के हितों के लिए और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता रहेगा और कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कलह का कारण नहीं बनेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कीमती प्राकृतिक संसाधनों की खोज से समीकरण बदल सकता है और अंटार्कटिका के लिए देशों के दावे को फिर से पुनर्जीवित कर सकता है, क्योंकि पेंगुइन स्वतंत्रता आंदोलन का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 5वां है इजराइल फिलिस्तीन विवाद। अभी के समय में इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को नजरअंदाज करना असंभव है। यह मध्य पूर्व और बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए विनाशकारी रूप ले सकती है, क्योंकि यह संघर्ष पूरी तरह से आधुनिक हथियारों और तकनीकी के आधार पर लड़ी जा रही है। एक बहुत छोटा सा देश इजराइल, जो भारत के शहर दिल्ली के समान थी, अपने कौशल और क्षमता से कई देशों के क्षेत्र को अपने में मिला लिया, जिससे फिलिस्तीन को भी अपनी कई क्षेत्र गंवानी पड़ी और फिलिस्तीन अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता और शांति कायम रखने के लिए इजराइल का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, जो युद्ध का रूप ले चुकी है। इजराइल की अपनी का इतिहास है, जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि किस तरह मध्य पूर्व के देशों ने उस पर आक्रमण किए और उनके क्षेत्रों को उनसे छीन लिए, और किस तरह भारतीय सैनिकों ने उनकी स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदान दिए। 4वां है सोमालीलैंड विवाद।
अफ्रीका महाद्वीप की अभी की सीमाओं को देखें तो बड़े हिस्से में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के बीच कंपटीशन के कारण सोमालीलैंड की एक विवादित सीमाएं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सोमालीलैंड के अलावा सभी सोमाली क्षेत्र पर ब्रिटिश सैन्य प्रशासन का अधिकार था। यह अधिकार 1960 में सोमालिया को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी जारी रहा। हालांकि लंबे समय से चली आ रही गृह युद्ध के बाद 1991 में सोमालीलैंड ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जो उत्तरी तट पर स्थित अदन की खाड़ी का एक क्षेत्र था। द रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड के कुछ क्षेत्र अभी भी विवादित बने हुए हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं मिला है। तीसरा है ताइवान चाइना विवाद। ताइवान चाइना विवाद राजनीतिक रूप से जटिल और कॉम्प्लिकेटेड विवाद में से एक है। इसे समझने के लिए आपको दो राजनीतिक पार्टी के बारे में समझना होगा। पहला पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिन्हें स्पेशली मेन चाइना के रूप में जाना जाता है, और दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिन्हें ताइवान के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों के हार के बाद ताइवान द्वीप चीन में वापस आ गया था और चाइना में गृह युद्ध शुरू हो चुका था। उस समय तक चाइना और ताइवान में कई पार्टियों की मिली जुली सरकार थी। हालांकि चीनी सरकार को जल्द ही माओत्से-तुंग की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा मेन चाइना से उखाड़ फेंका गया था और नए कम्युनिस्ट राष्ट्र की स्थापना कर दी गई थी, जिन्हें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया गया। चियांग काई-शेक की राष्ट्रवादी सरकार ताइवान द्वीप चली गई, जिसने रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान में अपना शासन जारी रखा, जबकि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के उस क्षेत्र में भी अपना दावा करता है, जबकि ताइवान अपने क्षेत्र के साथ साथ मेन चाइना के ऐतिहासिक क्षेत्र में भी अपना दावा करता है। दूसरा भारत चीन विवाद। भारत चीन विवाद, जो भारत की आज़ादी के बाद से भारत चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है। चीन और भारत के बीच 1962 में एक युद्ध हुआ था, विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन इस युद्ध में अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई थी। चीन में 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तब भारत चीन की सीमाओं पर हिंसक घटनाएं होने लगी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और मैकमोहन की रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। चीनी सेना पश्चिमी क्षेत्र में चुसुल के रेजांगला और पूर्व में त्वांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया था। लद्दाख की पर्वत श्रृंखला एट फिंगर के समान है। चीन अभी तक सिर्फ फिंगर फोर तक पीछे गया है, पर भारत का दावा एट फिंगर तक की है और अब भी यह संघर्ष जारी है। फर्स्ट एंड लास्ट इंडिया पाकिस्तान सीमा विवाद। आजाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करता था। तब कश्मीर पर डोंगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। 1947 के आज़ादी के बाद पाकिस्तान नया नया बना था। कश्मीर, जिसके राजा ने बड़ी उम्मीदों के साथ अंग्रेजों से अपनी रियासत को हिंदू मुस्लिम की सियासत से दूर रखने का गुजारिश की थी, मगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दलील थी कि जिस तरह गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू अवाम की तादाद को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह से कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल करने लगा था। महाराजा हरि सिंह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी आतंकियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ मिल जाने का फैसला किया। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ मिल जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने सेना और हथियारों को बिना ATC की डायरेक्शन के श्रीनगर में उतार दिया और मोर्चा संभालने के कुछ ही महीनों के बाद दो तिहाई कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। जंग के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले गए और जिसके बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और तय हुआ कि सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध विराम मान लिया जाए, जिसे LOC कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और दो तिहाई भारत के हिस्से में। पाकिस्तान अब भी पूरे कश्मीर पर अपना दावा करता है, जबकि भारत महाराजा हरि सिंह के साथ किए एग्रीमेंट के अनुसार पूरे कश्मीर पर अपना दावा करता है। इसलिए अभी तक बॉर्डर पर सीज फायर और आतंकी हमले होते रहते हैं। दोस्तों, इनमें से किसी की भी जानकारी आपको डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।